हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट। माय नेम इज नरेंद्र कुमार। आज का हमारा सेशन है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, रिडंडेंसी एंड वर्डीनेस। आपको ये दिख रहा होगा, इधर साइड से देखो। ये बताओ, ये टॉपिक आपने पहले कभी सुना है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन शायद सुना होगा आपने। व्हाट ये रिडंडेंसी क्या होता है, ठीक है ना? अच्छा, इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। एंड देन वर्डीनेस, ठीक है। ये आज का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक ये है ना कि इसकी बहुत सारी एरर्स एग्जाम में आती हैं, ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता है। दैट इज द फनी पार्ट। नाउन प्रोनाउन कंजक्शन हमेशा बोलता हूँ, इनकी एरर वी कैन इजिली फाइंड आउट, बट व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस करेक्शन पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम, बड़े वाले जो टॉप के एग्जाम्स होते हैं, जो गॉड फादर्स हैं, लाइक कैट एग्जाम, जी मैट एग्जाम, जी आर ई, एस ए टी एग्जाम होता है, ठीक है ना, ये इंग्लिश के जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, इनमें तो ये उनका तो ये बहुत फेवरेट पार्ट है। और फिर हमारा जो बैंक एग्जाम्स है ना, एस एस सी एग्जाम्स हैं, इसमें भी ये वाली चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, बट हमें पता नहीं होता है एक्चुअली। समटाइम वी चेक आर्टिकल ओके, एरर लाइक वर्ब इज ओके, प्रपोजिशन इज ओके, प्रोनाउन इज ओके, ठीक है, टेंस इज फाइन, लेकिन उसके बाद भी एरर होती है उस पार्ट में और हमें पता भी नहीं चलता है। ये वही लोग हैं। मैंने आपको चार पांच चीज़ें बता रखी हैं, उन सबको अच्छे से समझ लो, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट, एक बता देता हूँ कि आपको ये वाली क्लास तो है इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स। आप तीन चार क्लास और भी मैंने पढ़ा दिया है, दोज क्लासेज और इक्वली इंपॉर्टेंट। अब देखो कौन कौन सी हैं। द कंडीशनल सेंटेंस मैंने पहले पढ़ाया था, उसको आप पकड़ लेना, बहुत पावरफुल चीज़ है। देन कम्स टू इन्वर्जन, मैंने आपको बता दिया है, व्हेन वी पुट ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इन्वर्जन होता है, उसको पकड़ लो, ठीक है। पैरेललिज्म मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस शुड बी पैरेलल, तो वो पैरेललिज्म हो गया। टॉपिक का नाम है पैरेललिज्म, गूगल कर लो अच्छे से, ठीक है ना, नहीं तो मैंने जो पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ लो। किताबों में इनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाली अगर आप जो एसएससी बैंकिंग वाली को बुक्स पकड़ोगे ना मार्केट में, उनमें ये टॉपिक मिलेंगे ही नहीं। अगर मिलेगा तो बहुत कम टच किया होगा इस टॉपिक को, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा डिटेल में कंप्लीट ए से लेकर जेड तक आपको वो टॉपिक दूँ मैं। कोई भी क्लासरूम, कोई भी वेबसाइट या फिर कहीं पर भी आपको ये कंप्लीट टॉपिक नहीं मिलने वाला है। और ध्यान रखना कि कंप्लीट जिस दिन प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी उसी दिन सक्सेस मिलने वाली है, समझ गया ना? ओके, तो कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करना है, मेरा प्लेलिस्ट होगा, इसमें जब वीडियो एंड होगा ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शो करेगा। तो न्यू पैटर्न इंग्लिश वहाँ पे शो करने वाला है और ग्रामर वाला एक लिस्ट शो करेगा, उस लिस्ट को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड शायद तो नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट फेवरेट में कर लो, वॉच लेटर वाला कर लो, ठीक है। और हर बार अगर कोई आपको टॉपिक मिस हो जाता है तो उस ग्रामर वाली लिस्ट में जाओ और चेक करो। कंडीशनल सेंटेंस, इन्वर्जन, पैरेललिज्म एंड मॉडिफायर्स, ये चार बहुत खतरनाक फिनोमेनाज मैंने आपको पढ़ा रखी हैं और उनको जरा पक्का पढ़ लेना, तो एरर डिटेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आज उसी सीरीज में एक फिफ्थ नंबर पे मेरे पास में है, सुपरफ्लुअस, रिडंडेंसी एंड वर्डीनेस। वर्डीनेस से तो आपको पता चल रहा होगा कि मतलब वर्डीनेस से ज्यादा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो पता है क्या होता है, समटाइम वी हैव अ सेंटेंस बट देर आर सम एक्स्ट्रा वर्ड्स विच आर नॉट नेसेसरी एक्चुअली, वी कैन रिमूव, वी कैन ऑमिट दीज वर्ड्स एंड स्टिल द सेंटेंस मेक्स सेंस, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं जो वहाँ पे हमें लगता है कि दिस इज ओके, इट मेक्स सेंस। हम मैंने बोला था ना इंडियनिज्म, वी ऑलवेज पुट इंडियनिज्म, नॉट ऑलवेज, वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी पुट इंडियनिज्म इन इनटू इंग्लिश। हम अपने फीलिंग मार के थॉट के हिसाब से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कुछ वर्ड्स डाल देते हैं और हमें लगता है अच्छा जा रहा है, बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है, भाई इंडिया वाले और अमेरिका वाले क्या सोचते हैं डजंट मैटर, हमारा आईपीएस एग्जाम वाला क्या सोचता है, एसएस एग्जाम वाला, कैट एग्जाम वाला क्या सोचता है, हमको वो देखना है। ऑलराइट, चलो। और सुपरफ्लुअस का वही मतलब है, यू नो, नॉट नीडेड, एक्स्ट्रा। और रिडंडेंसी, एक्चुअली सारे वर्ड एक ही हैं, लेकिन वही ना कि अलग अलग नाम से एरर आती है तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। कभी कोई अगर आपको कहीं पे आप एक बुक में आप रीड कर रहे हो लिखा है वहाँ पे वर्डीनेस का एरर, आप परेशान हो जाओगे, भाई ये नया रूल क्या आ गया, तो यू शुड नो द टर्मिनोलॉजी और उसके रूल्स, उसमें क्या क्या एरर होती है, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। सुपरफ्लुअस, रिडंडेंसी, वर्डीनेस, ऑलमोस्ट सब सेम फैमिली के कीवर्ड्स हैं हमारे। चलो, तो हमें क्या है ना कि कई बार क्या है कि जैसे कि कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है, और उनमें एक्स्ट्रा वर्ड लगा होता है और उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस प्रॉब्लम। तो अच्छे से दिमाग में रख लो, सुपरफ्लुअस क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो जब आप एक सेंटेंस को, व्हेनेवर यू रीड ए सेंटेंस ना, चेक द टेंस एरर, ओके, आर्टिकल एरर, प्रोनाउन एरर, कंजंक्शन नाउन एरर, पजेसिव केस एरर, और लगता है कि दिस इज ऑल गुड, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन का एरर भी नहीं है, फ्रेजल वर्ब्स का भी, इडियम का भी, फिर देखना कहीं पे इसमें पैरेललिज्म तो नहीं हो रहा, कहीं पे इस पे एक्स्ट्रा वर्ड्स तो नहीं आ रहे, सुपरफ्लुअस तो नहीं हो रहा है,
तो फिर हमारे स्पेशल छानबीन होगी, समझे कि नहीं। तो देखो नाउन प्रोनाउन और वर्ब एडजेक्टिव ये क्या है, नॉर्मल पुलिस का इन्वेस्टिगेशन। हमारी स्टेट पुलिस होती है ना, वो इन्वेस्टिगेट करता है पहले, लेकिन जब लगता है कि नहीं अब इनके हाथ में कुछ नहीं पड़ रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सीबीआई, आईबी या फिर जो भी बड़ी बड़ी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है ना, वो लोग आते हैं। तो दीज गाइज कौन कौन, सुपरफ्लूस एक्सप्रेशंस, कंडीशनल सेंटेंस, पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स, इन्वर्जन, ये जो मैंने पांच नाम अभी आपको बोले, ये वही टॉप के लोग हैं। इनको अपने डेली लाइफ का हिस्सा बना लो, खुद भी पढ़ो, दूसरों को पढ़ाया करो। आपका जो भी फ्रेंड है उसको भी वीडियो ये शेयर करो और उसको भी दिखाओ, फिर डिस्कस करो कि अच्छी ये वाला पॉइंट कैसा था, ये वाला पॉइंट कैसा था। इतना डिटेल में जब आप जाओगे, देन यू आर मेकिंग सम सेंस। और सेंसिबल लोगों को जॉब मिलती है, नॉन सेंस वाले तो करप्शन करके आते हैं। ठीक है, दिस इज माई इंट्रो, माई नेम इज नरेंद्र कुमार एंड आई बीन टीचिंग दिस मोर देन 7 years नाउ। ओके चलो, हाँ देखो अनअकैडमी प्लस को भी सब्सक्राइब करना, और उसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं और उधर भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको डबल डबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, वो पैड हमारा प्रोग्राम है और ये वाला यूट्यूब फ्री वाला प्रोग्राम है, यहाँ पे भी पढ़ो टॉपिक्स और इन टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ो। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या होने वाला है, ये वाला टॉपिक है ना आज जो मैं आपको रिडंडेंसी पढ़ाने वाला हूँ, इसके कई सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, तो समझ गए कि नहीं। अब उसके लिए हो सकता है कि मैं सेकंड सेशन इसका लेके आऊँ 2 महीने बाद, तब तक तो आपका एग्जाम निकल जाएगा ना, इसलिए क्या करो कि और मैं प्लस में क्या हो सकता है उसको अभी इंक्लूड करने वाला हूँ, समझ गया ना। तो इसीलिए पैरेलल चलाओ प्रिपरेशन को। तो जब भी आप सब्सक्राइब करो ना, तो ये कूपन कोड आप जरूर यूज करना, नरेन लाइव, NARN नरेन लाइव। इफ यू यूज दिस कूपन कोड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इट्स अ हैप्पी स्टोरी। ऑलराइट चलो, अब आओ देखो एक कोटेशन है हमारे पास में, कितना मस्त वाला। इफ इट इज पॉसिबल, कैन यू सी दिस पार्ट, इफ इट इज पॉसिबल टू कट अ वर्ड आउट, ऑलवेज कट इट आउट। ठीक है ना, ये जॉर्ज ऑरवेल बहुत बड़े नॉवलिस्ट हुए हैं हमारे, ठीक है ना, वर्ल्ड लिटरेचर में, और इनका बहुत बड़ा नाम है। आई थिंक आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, कितने लोगों ने जॉर्ज ऑरवेल को जानता है और इनका कोई नॉवल अगर आपको याद है, ठीक है, कमेंट में लिखना जरूर। मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, ये यूट्यूब का जो ऑडियंस है ऑल ओवर इंडिया में या कोई भी इसको वॉच कर रहा है, आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू नो जॉर्ज ऑरवेल, ओके, एंड इनका कोई नोबल, इनका कोई क्रिएशन, इनका कोई लिटरेचर अगर आपको याद है तो मुझे जरूर बताना। गूगल मत करना, गूगल करना ऑफ कोर्स, लेकिन अगर याद है पहले वो कमेंट करना। चलो, तो इफ इट इज पॉसिबल टू कट आउट अ वर्ड, ऑलवेज कट इट आउट। अगर लगता है ना कि नेसेसरी नहीं है, हटा दो भाई। पता है ये मैंने अपनी लाइफ में तो किया हुआ है, मुझे लगा है कि जो लोग मेरी लाइफ में नेसेसरी नहीं है मैं उनको डिलीट मार देता हूँ। मे बी आई एम रूड अ लिटिल बिट, बट समझे कि नहीं, इफ आई वॉन्ट टू मेक सम सेंस इन लाइफ ना, I have to cut it out. You also learn that. बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है, लेकिन चलो ये तो हो गई पर्सनल वाली बात, इंडिविजुअल लेवल पे। Now let's talk about in sentence correction, that is error detection, grammar, हमारी जॉब, हमारा एग्जाम, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे ये क्या काम करता है। तो अब देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुनाने वाला हूँ, पेन पेपर लेके रख लो, अलर्ट हो जाओ और लिखते चले जाओ। पूरा सेंटेंस तो आप कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन लाइक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टार्ट करो, और उसमें जो वर्ड मैं बताऊं वो साथ साथ लिख लो, पेयर बना लो। इसके साथ में ये नहीं जाता है क्रॉस लगा दो, इसके साथ ये जाता है टिक लगा दो, ठीक है ना, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी, जो चीज़ आप जानते थे उसको स्किप कर दो, लेकिन जो भी आपको नया मिले नोट्स बना लो। लाइफ आपको दोबारा मौका नहीं देगा ऐसे वीडियोज देखने का, एक 1 आवर आप इतना आपके अंदर पेशेंस नहीं है कि आप दोबारा से फिर से कहीं पे इतना वॉच करो। इसलिए मैं, मुझे पता है और मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो बस नोट डाउन करते चले जाओ। चलो देखो भाई, हाँ ये क्या लिखा है, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन न्यू इनोवेशन इन गैम्बलिंग। बताओ किसको समझ में आया, जिसको भी समझ में आया कमेंट में लिख के दिखाओ। ठीक, ये वाला पार्ट देख रहे हो यार, समझ में आ गया, इनोवेशन हमेशा न्यू होता है यार, समथिंग न्यू जब हम क्रिएट करते हैं वो इनोवेशन होता है, ठीक है। दो तरह के इनोवेशन होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइम हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक होता है कि एग्जिस्टिंग आइडियाज पे कुछ नया कर देना, वो दो तरह, वो अलग बात है इनोवेशन कितने टाइप के होते हैं, बट इनोवेशन आर ऑलवेज न्यू, समझ गए नहीं। तो एक काम करते हैं, न्यू को ड्रॉप करते हैं, न्यू अननेसेसरी है, रिडंडेंट है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, समझ में आया आपको। ओके, तो दीज आर कॉन्स्टेंटली, सॉरी, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इनोवेशन इन गैम्बलिंग। बताओ गैम्बलिंग में भी इनोवेशन हो रहा है, बट ठीक है, हमें तो इंग्लिश पर फोकस करना है। नेक्स्ट देखो, ही वॉज द यंगर ऑफ द टू ट्विंस,
कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस क्वेश्चन? ओके, कमेंट में लिख के दिखाओ, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट. देखो, ही वॉज द यंगर ऑफ द टू ट्विंस. यार ट्विंस हमेशा दो ही होता है, व्हाट यू थिंक? ठीक है ना, तो ट्विन हमेशा दो होता है, इसका मतलब है दिस वर्ड इज अननेसेसरी, रूल्ड आउट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द इवेंट्स विल स्टार्ट एट 11 AM ऑन द फॉलोइंग डेट्स बिलो. ठीक है, तो एक्चुअली ये जो बिलो है यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, आप रीड करो, तब तक मैं पेन चेंज करता हूं दिस पार्ट. ठीक है ना, देखो फॉलोइंग हमें बताता ही है व्हाट इज कमिंग आफ्टर. ठीक है ना, क्या होने वाला है. तो देखो, तो द इवेंट्स विल स्टार्ट एट 11 AM ऑन द फॉलोइंग डेट्स, दैट्स इट. ठीक है, जो फॉलोइंग जो वर्ड है ना हमारा, उसमें बिलो और आफ्टर क्या है, छुपा हुआ है ये वाला पार्ट. ओहो, ये फिर से टच हो गया, बट ठीक है, आप लिखो इसके अंदर कौन सा वर्ड छुपा हुआ है, बिलो एंड आफ्टर. ठीक है, किसके अंदर, फॉलोइंग में, तो इसका मतलब है कि वो बिलो को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे. तो इस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स हैं. तो आज का वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में, या फिर हमारा इंग्लिश सेक्शन है ना जो ग्रामर का, या इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह का एरर्स होती हैं. एक होती है ग्रामेटिकल एरर और दूसरा होता है स्टाइल, स्टाइलिस्टिक एरर बोला जाता है. तो ग्रामर की एरर तो हमको पता भी है कौन कौन सी चल रही है, राइट. और फिर कुछ होती है स्टाइल, मतलब राइटिंग स्टाइल गलत होती है, ये ग्रामेटिकल एरर नहीं बोली जाती है. ये क्या होती है, राइटिंग स्टाइल वाली एरर होती है. तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, कभी भी गिव अप मत करना. अगर आप ये वीडियोस को भी नहीं वॉच कर रहे हो और आप गिव अप कर देते हो, सोचो कि आई नो कि मैं कितना रिसर्च वर्क इसके पीछे जाता है, आई नो कितना स्टडी करने के बाद मैं ये चीज़ों को पकड़ता हूँ कि ये पढ़ाना है ये नहीं पढ़ाना है. और मुझे पता है कि, और सबसे बड़ी बात है ना, कि ये डिसाइड करना कि कौन सा चीज़ रेलिवेंट है कौन सा रेलिवेंट नहीं, बहुत टाइम लगता है. ठीक है, अभी तो बहुत कुछ किताबें भरी पड़ी हैं, बट वही मुझे आपको सामने वही लेके आना है जो एग्जाम में आपको सीधे मार्क्स दिलाएगा. दैट इज माई एफर्ट. ठीक है, सो आई कैन टेल यू दिस इज द बेस्ट थिंग एंड आई ट्रस्ट दिस प्रोसेस एंड यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट एंड मजे करो फिर. चलो तो देखो भाई, हाँ नेक्स्ट देखते हैं. ये तो तीनों समझ में आ गए. हाँ, एट फर्स्ट आई इनिशियली वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. तो आप, आई थिंक आप समझ में आ गया, एट फर्स्ट और इनिशियली दोनों साथ में नहीं आएगा. ठीक, नीचे वाला देखो, माई फर्स्ट क्लास बिगिंस एट 11 AM इन द मॉर्निंग. यार जो AM वर्ड है ना, वो मॉर्निंग को ही रिप्रेजेंट करता है. आफ्टरनून से पहले के टाइम को दो लोग रिप्रेजेंट करते हैं. जो नून वर्ड होता है ना, आफ्टरनून मतलब नून मतलब दोपहर वाला, 12 दोपहर में, तो उससे पहले का टाइम दिखाने के लिए दो बातें होती हैं. हम लोग इन द मॉर्निंग भी सेम स्टोरी है और AM सेम स्टोरी है. इसका मतलब हमें ड्रॉप करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, इन द मॉर्निंग. समझ गया, तो देखो क्या बन जाए. यहाँ पे रीड करते हैं, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल बोथ एट फर्स्ट एंड इनिशियली सिग्निफाई द आइडिया ऑफ एट द बिगिनिंग. दोनों ही बिगिनिंग को दिखा रहे होते हैं. बी ओनली नीड वन ऑफ दीज एक्सप्रेशन टू कम्युनिकेट दिस आइडिया. टू फिक्स द सेंटेंस रिमूव वन ऑफ द एक्सप्रेशन, किसी को रिमूव कर दो और ट्राई करें सही, बताओ क्या होगा. तो आई इनिशियली वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, फर्स्ट स्टोरी. एंड द सेकेंड स्टोरी इज एट फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. At first, I was afraid of flying. समझ गया, बहुत सिंपल स्टोरी. बस आपको याद रखना है. नोट डाउन करो. कितना लोग नोट्स बना रहा है, मैं आपको पता है कि मैं आपके साथ साथ लाइव वीडियो तो स्टार्ट हो ही जाएगा, मैं आपके साथ साथ कमेंट देखता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ कितना लोग कमेंट कर रहा है ऑनेस्टली. ठीक है, मुझे आपका इरादा पता चलता है. इट्स नॉट अबाउट माई क्लास ओनली, इट्स अबाउट यू. मैं तो भाई पढ़ाता रहूँगा एक साल तक यहाँ पर आराम से, लेकिन इट्स अबाउट यू कि तुम कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, अवेयर है, इंटरेस्ट ले रहा है, नोट्स बना रहा है और सही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर वे में बेस्ट ऑफ चीजें पढ़ रहा है. इट्स ऑल अबाउट यू, ध्यान रखना. चलो ये तो समझ में आ गया हमारा. नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड करेक्शन. प्लीज कंबाइन द थ्री डिपार्टमेंट इन टू वन. तीन डिपार्टमेंट 1, 2, 3 को एक में इंटू वन. जब कंबाइन कर रहे हो तो एक तो बनी जाएगा ना सिंगल. तो देखो, प्लीज कंबाइन द थ्री डिपार्टमेंट इंटू वन, ये चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, प्लीज कंबाइन द थ्री डिपार्टमेंट्स, दैट्स इट. मुझे पता है कि जब तीन को कंबाइन करोगे तो वो एक ही बनेगा. तो ये वाला पार्ट है ना अननेसेसरी है. कैन यू सी दैट, यस और नो? प्लीज राइट यस और नो. ओके,
नेक्स्ट देखो, वुड यू प्लीज रिपीट अगेन वॉट यू सैड. देखो रिपीट का मतलब ही होता है से अगेन. ये वाला पार्ट रिपीट का मतलब होता है से अगेन, तो इसका मतलब उसमें अगेन छुपा हुआ ऑलरेडी रिडंडेंट है. दिस वर्ड इज रिडंडेंट, सुपरफ्लुअस वर्डिनेस. ठीक है, हालांकि वर्डिनेस में नहीं आता है. वर्डिनेस में क्या बड़े बड़े फ्रेज होती है हमारी, बट अगेन फिर भी एक्स्ट्रा वर्ड तो है ना, सेम स्टोरी. सुपरफ्लुअस रिडंडेंट कहाँ चला गया भाई, इधर आओ. हाँ, सुपरफ्लुअस रिडंडेंट वर्डिनेस, इन वर्ड्स को बार बार याद कर लो. ठीक है, और मैं फिर से पूछ रहा हूँ सेशन के बीच में कि भाई कितने लोगों ने कंडीशनल इन्वर्जन, पैरालिज्म, मॉडिफायर्स, ये चार टॉपिक को कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है. अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ है रेज योर हैंड, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है रेज योर अवेयरनेस. ध्यान रखना, ठीक है ना, रेज योर हैंड जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है रेज योर अवेयरनेस. चलो तो देखो द करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सैड. अगेन नहीं आएगा. मैं नीचे देखो, द न्यू इनोवेशन, ये तो भाई सेम स्टोरी हो गई. आपको याद आ रहा है या सेम स्टोरी? ओके, तो क्या बनेगा, द इनोवेशन आर स्टार्टलिंग. स्टार्टलिंग का मीनिंग कौन बताएगा? एसटीआर, स्टार्टलिंग का मतलब सरप्राइजिंग. ओके चलो नेक्स्ट देखो, तो लिस्ट ऑफ कॉमन रिडंडेंट फ्रेजेस. तो मैंने कुछ है ना कॉमन चीजें बता रखी है, इनको मैं डिस्कस करता हूँ जल्दी से. तो हमने देख लिया टॉपिक कैसा लिखता है. तो टुडेज टॉपिक इज रिडंडेंसी, REDUNDENCY, रिडंडेंसी, और वर्डिनेस और सुपरफ्लुअस, ये नाम है इनके. एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं और कुछ नहीं है, जो कि जरूरत नहीं होती है उनकी. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. ओके, तो कितनी ऐसी कहानियां हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, मुझे लगता है कि 100 के आसपास ऐसी स्टोरीज हैं जिनको आप याद कर लो, आपका नंबर मिल जाएगा. 100 फ्रेजल वर्ब्स, एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, इफ यू मेमोराइज देम तो काम हमारा पूरा हो जाएगा. तो देखो भाई, लिस्ट ऑफ कॉमन फॉरेन इंपोर्ट्स, ये दोनों वर्ड एक साथ में नहीं आएंगे. ठीक है, वर्ल्ड हेडेड एक साथ नहीं चलेगा. एंड रिजल्ट नहीं होता भाई, रिजल्ट हमेशा एंड ही होता है. ऑल राइट, ड्रॉप डाउन, ठीक है, फ्यू इन नंबर, फ्यू ऑलरेडी नंबर को शो करेगा ना. चलो और देखो, मैंने अभी आपको बताया था फॉलोइंग, तो फॉलोइंग के बाद में क्या नहीं आता है हमारा, आफ्टर नहीं आता है. या और एक और वर्ड मैंने आपको बताया था, चलो चेक करते हैं कौन सा वर्ड था. मैं आपको एग्जांपल याद दिला देता हूँ. ठीक है, ये वाला फॉलोइंग मतलब विलो और आफ्टर उसके साथ नहीं आता है. चलो उसको याद इसको याद रखेंगे. जनरल पब्लिक गलत होता है भाई, पब्लिक हमेशा जनरल होती है. ठीक है, और चेज आफ्टर, चेजिंग में आफ्टर ऑलरेडी वर्ड छुपा हुआ है. ओके, कोलाबोरेट टुगेदर, कोलाबोरेट का मतलब ही होता है कमिंग टुगेदर एंड वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट. व्हेन टू और मोर देन पीपल कम टुगेदर एंड वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट कलेक्टिवली, तो वो हमारा कोलाबोरेट होता है. तो ठीक है, तो ये नहीं आएगा, वट और येट साथ में नहीं जाएगा. और देखो इस वाले को देखो, करंट स्टेटस क्यों, इस कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ मेनी ऑफ यू स्टेटस क्यों का मीनिंग जानता है. ठीक है ना, ये हमारी कुछ फॉरेन एक्सप्रेशंस होते हैं, मैं इनका भी वीडियो बनाने वाला हूँ. चलो आइडिया आ गया. ठीक है, आई हैव एन आइडिया, मैं फॉरेन एक्सप्रेशंस होते हैं ना जितने भी, इन सब का एक वीडियो बनाऊंगा, पक्का याद करना. ये फॉरेन एक्सप्रेशन हमारे एग्जाम में आती हैं, हम मीनिंग नहीं समझ पाते हैं. आप अवेयर तो हो ही जाओगे, अगर एरर आ गई तो सही भी कर दोगे. ठीक है, तो देखो स्टेटस क्यू का मतलब होता है द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, मतलब राइट नाउ करंट, करंट में क्या है वो हो रहा है. स्टेटस क्यू वो होता है द करंट सिचुएशन, तो उसमें ये वाला करंट ऑलरेडी छुपा हुआ है. मतलब क्या है, ये हमारा सुपरफ्लुअस है, रिडंडेंट है हमारा, वर्डिनेस है. ऑल राइट, कंटिन्यू, ऑन नहीं आएगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ब्लैटेंटली ऑब्वियस, ठीक है, ब्लैटेंटली मतलब बहुत ज्यादा क्लियरली ऑब्वियस, तो ऑब्वियस चीज बहुत ज्यादा क्लियर होता है, बहुत स्ट्रांगली क्लियर होता है, तो ब्लैटेंट नहीं आएगा हमारे पास. एजुकेट इनफ, ये देखो एजुकेट का मतलब वही होता है, इनफ का भी वही होता है, गलत हो जाएगा. याद रखना इन सारी बातों पर एरर आ चुकी है, तो आपकी एरर कभी भी इन पर आ सकती है. अगर बैंक के एसएस एग्जाम देते हो तो सीधा एरर आता है. ठीक है, ध्यान रखना. चलो वर्निंग फायर, ठीक है, तो वर्निंग वर्ड की यहां पर जरूरत नहीं है, फायर हमेशा वर्निंग होता है. ठीक है, और ब्लेंड टुगेदर, देखो ब्लेंड का मतलब होता है दो चीजों को साथ साथ मिला देना.
ठीक है, जैसे कि आपके चार पांच दोस्तों का ग्रुप है और उसमें मैं भी मिल गया, आई एम 30 ईयर ओल्ड राइट नाउ, और सपोज कि आप 20 ईयर ओल्ड हो, 10 साल मेरे से छोटे हो गए, लेकिन तब भी मैं आपके ग्रुप में फिट हो गया, ठीक है, तो ब्लेंड इन बोला जाता है, तो उसमें क्या है हमारा टुगेदर का सेंस रहता है, ओके, एक्चुअल फैक्ट, फैक्ट हमेशा एक्चुअल होते हैं, ओके, ब्राउज थ्रू, ठीक है ना, ब्राउज का मतलब होता है लुकिंग लुकिंग थ्रू द इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, ज्वाइन टुगेदर, तो ये, और देखो ये लिटिल बेबी, बेबी हमेशा क्या होता है, लिटिल होता है, ओके, फॉल्स प्रिटेंस, प्रिटेंस होता है रॉन्ग, ठीक है ना, तो उसमें फॉल्स लगा हुआ है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये साथ में नहीं आता है, फ्री गिफ्ट, गिफ्ट हमेशा फ्री होता है भाई, गिफ्ट के कोई पैसे लिया है आज तक, चलो, ब्लैक डार्कनेस, मर्ज टुगेदर, ओके, तो इन वाली कहानियों को याद रखना, बताओ सारा कुछ दिख रहा है ना सबको, मर्ज में होता ही है कि व्हेन थिंग्स कम टुगेदर, तीन कंपनियां मर्ज होती है तो मतलब वो टुगेदर साथ में आती हैं और एक जगह मिल जाती हैं, तो वो उसमें टुगेदर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, हाँ इनको तो बहुत पता है, मैंने आपको कंजक्शन टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, और यहाँ पे भी देखो आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज है, अनटिल नॉट, अनटिल इज ऑलरेडी निगेटिव इन मीनिंग, तो इन दैट पर्टिकुलर पार्ट वी डू नॉट यूज नॉट, ठीक है, वी नेवर यूज नॉट, जिस एरिया में अनटिल और अनलेस आपको लिखे हुए मिल जाए ना, एक सेंटेंस अभी हमारा सेंटेंस, और जिस पार्ट में अनलेस और अनटिल लिखा हुआ है आपके ना, ओके मुझे याद आ गया क्या करना है, अनटिल और अनलेस ऑलरेडी निगेटिव, तो दैट मीन्स उस वाले पार्ट में नॉट, सेकंड पार्ट में आ सकता है, सेकंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ जाएगा, लेकिन जिस पार्ट में अनटिल अनलेस लिखा उस पार्ट में नहीं आएगा, केयरफुल रहना, केयरफुल रहना। चलो ये वाली बात हो गई, रेयरली, रेयरली भी हमारा निगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा हमारे पास में, हार्डली के साथ में भी नॉट नहीं आता है, स्कार्सली नॉट नहीं आता है, सब निगेटिव है, सब निगेटिव है, और फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है नॉट अलाउ, ठीक है, FORVID, फॉरबिड का मतलब होता है मना कर देना, नॉट अलाउ, तो उसमें नॉट छिपा हुआ है ना, इन सब पे एरर आता है भाई, हर एग्जाम पूछता है, अगर आप इनको जानते हो बहुत अच्छी बात है, रिविजन कर लो, अगर नहीं जानते हो तो लिखो, ठीक है, और अलर्ट रहो। चलो डिनाई, डिनाई का भी मतलब होता है नॉट अलाउ, समझ गया, तो उसमें नॉट छुपा हुआ है, तो जिस सेंटेंस में डिनाई लिखा हुआ उस सेम पार्ट में, उस सेम एरिया में, सेम सेगमेंट में, सेम क्लॉज में, सेम फ्रेज में नॉट नहीं लगेगा जिसमें डिनाई लगा होता है, ओके, प्रोविड ये भी मना करना होता है तो ये नॉट नहीं आएगा, विदाउट ये भी नहीं आएगा, लेस्ट, हाँ LEST ये बड़ा अच्छा वर्ड है हमारा, ठीक है, मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, कंजक्शन वाले में, इस पर दो एरर आती है, LEST पर दो एरर आता है, लेस्ट में पता है पहली एरर क्या आती है, नॉट लगा देते हैं यार उस वाले पार्ट में, जिस पार्ट में लेस्ट लिखा होता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, दिस वर्ड इज ऑलरेडी निगेटिव इन मीनिंग, और इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, ऑलराइट, चलो, तो और हाँ, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड, लेस्ट हमेशा शुड लेता है अपने साथ में मॉडल, ठीक है, और इसको कैन कुड में बट को नहीं चाहिए, इसको सिर्फ इससे मोहब्बत है, ये सिर्फ शुड के पीछे पड़ा हुआ है और इसको कोई नहीं चाहिए, तो याद रखना LEST बहुत स्ट्रांग वर्ड है, दिखने में छोटा सा लग रहा होगा ये बंदा, लेकिन इसने SSC CDS छोटे मोटे जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना इंडिया में, उसमें बहुत एरर आई हुई है इसकी, तो जिनको पता है वो देखते लगा देते हैं, सिंपल, आई होप आप भी लगा दोगे आज के बाद में, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आओ, हाँ ठीक है, तो ये चलो यहाँ रिशीड, ठीक है ना, ये इसमें बैक छुपा हुआ था है, कमिंग बैक, वापस आ जाना सेम सिचुएशन में, चलो जैसे रिशीड को मैं समझा देता हूँ होता क्या है वर्ड, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई और जो वाटर लेवल है ना राइज हो गया काफ़ी, यहाँ तक आ गया, लेकिन आफ्टर 2-3 आवर्स में फाइनली पानी नीचे जाने लगा, तो वो रिशीड हो रहा है, गोइंग बैक, ठीक है ना, तो उसमें बैक ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो बैक नहीं लगेगा रिशीड वाले में, रिटर्न, रिट्रैक्ट, ये वाला, रिकॉल, देखो मैं अभी आपको एक रूल पढ़ाने वाला हूँ, पूरा वॉच करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं आज आपको, तो अभी मैं आपको एक रूल पढ़ाने वाला हूँ जिसमें मैं बोलूँगा कि ऑल दोज वर्ड्स ना जिनमें आर ही लगा होता है, री, री मीन्स अगेन, ठीक है ना, तो वो वाले वर्ड में क्या होता है, अप्रो लगा होता है उन, ठीक है, उन वाले वो वाले वर्ड्स में बैक नहीं लगाते हम लोग, ठीक है, रिवर्ट, ठीक है, और अभी रिशीड आया था हमारे पास में, रिट्रैक्ट आ रखा है, रिटर्न है, रिकॉल है, इन सारे वर्ड में री लगा हुआ है, इसका मतलब होता है अगेन, इसीलिए अगेन इनके साथ में नहीं लिखा जाता है, समझ में आ गया कि नहीं, ऑल राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड,
चलो, विड्रॉ का मतलब होता है टेकिंग बैक, ठीक है। तो बैक ऑलरेडी छुपा हुआ नहीं आएगा, आप समझ रहे हो ना चल क्या रहा है। इन वर्ड के साथ में ये वाली बात नहीं आएगी। ओके, अब देखो मे लाइकली के साथ में, मे के साथ में लाइकली नहीं होगा। मे का मतलब भी पॉसिबिलिटी बताना होता है और लाइकली भी पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो दो दो पॉसिबिलिटी बताने वाले वर्ड नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड रिडंडेंसी, ठीक है ना। वी नीड टू मेक द मीनिंग क्लियर और सेंटेंस को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, छोटा सेंटेंस रखना है। एक्स्ट्रा वर्ड नहीं चाहिए मेरे को, काम की बात करो, एक्स्ट्रा लोग नहीं चाहिए। वही थॉट है यहाँ पे, वही हमने डिजाइन किया हुआ है। ओके, देखो ठीक है। और कैन और कुड पावर को दिखाता है, योर एबिलिटी। कैन एंड कुड, मैं आपको मॉडल्स भी पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट मैं 1 आवर का मॉडल्स, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है मॉडल्स, उन्हीं पे वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। तो वर्ब पे तो कई सारी सीरीज बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं यूट्यूब पे कितना बना पाता हूँ, और प्लस कोर्स में तो ऑफकोर्स 2 आवर से क्लास चलने वाला है, तो वहाँ तो डिटेल में रहेगा। तो प्लीज, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहा है, कम देयर यूजिंग माई कोड नरेन लाइव एंड डू नॉट मिस एनीथिंग। That is the thing. यहाँ पे 1 आवर में हर की चीज़ नहीं हो सकती, बट कोशिश करता हूँ मैं 30-40 स्लाइड्स लेके आता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा के चला जाऊँ, ठीक है ना। ओके, आई होप आपने नोटिस किया होगा ये वाली बात। चलो देखते हैं। तो देखो 7 PM 9:30 PM दिस इवनिंग। अब देखो PM जो वर्ड है ना, वो ऑलरेडी हमको वही वाली बात शो कर रहा है। दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट? ओके, नेक्स्ट देखो 8 AM 11, देखो AM और ये मॉर्निंग वाला पार्ट दिख गया आपको। ओके, AM मतलब आफ्टरनून से, नून से पहले का टाइम AM दिखाता है, और मॉर्निंग भी नून से पहले का टाइम दिखा रहा है, तो ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। सिंपल, समझ में आ गया ना। ओके, नेक्स्ट देखो डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ में ऑफ कभी नहीं आता, ये सबको पता है। यहाँ पे आई थिंक जितना लोग वॉच कर रहा है उनको ये रूल पता है। तो कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो दोज स्टोरीज आर वेरी कॉमन, एक्चुअली एवरीबडी नोज दिस स्टोरी, बट मेरी कोशिश ये भी रहती है कि मेरी क्लास जब भी पढ़ोगे आपके, आपको कुछ एक्स्ट्रा कहानियाँ भी मिलेंगी, स्टोरीज मिलेंगी जो आपने कभी सुना नहीं था, ठीक है। तो ये जो आप मेरी जो कोर्स इसलिए फॉलो करो कि जो आता है उसको रिवाइज कर लो, एंड जो आपको नया मिल रहा है उसको फर्स्ट टाइम सीख लो, उसके नोट्स बना लो, ठीक है ना। दैट इज हाउ यू गाइस शुड अप्रोच ऑल दीज थिंग्स। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ सपोज इफ वाला, देखो ये रूल मैं पढ़ा रखा हूँ आपको कंजक्शन में। सपोज इफ ऐसा हो जाए, ठीक है, सपोज इफ मेरे को $1 million मिल जाए, नो, सपोज और इफ सेम वर्ड है, दोनों एक साथ यूज नहीं होते हैं, ठीक है। सपोज ऐसा हो जाए या फिर इफ ऐसा हो जाए, मतलब सपोज अलग जाएगा, इफ अलग जाएगा, दोनों साथ में लिखे हुए हैं, गलत लिखा हुआ है, एक नंबर तुरंत ले लेना विद इन सेकेंड में। ओके, और बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है ना, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इन केस और इफ साथ में नहीं आएगा, गुड दैट सपोज। चलो नेक्स्ट देखो कजिन्स, ये वाला तो सबको पता, ये हम डिस्कस कर लिया। कजिन जो वर्ड है ना सबको पता है ये वाली मिस्टेक, ठीक है ना। कजिन में ब्रदर और सिस्टर छुपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है। सो कजिन मीन्स ब्रदर या कजिन मीन्स सिस्टर, ठीक है। कहीं पे ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो लड़का हो जाएगा, शी लिखा है तो लड़की हो जाएगा, बट मेल फीमेल, बट कजिन में कजिन रिप्रेजेंट करता है दोनों को, ध्यान रखना। तो कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर हमेशा गलत होता है। चलो भाई ठीक है। हाँ ये देखो स्पाउस जो वर्ड है ना, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो व्हाट डज दैट मीन, कि अगर आपको स्पाउस भी लिखा है और हस्बैंड या वाइफ कुछ भी लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। चलो ठीक है। ड्यूरिंग, हाँ ये वाला बहुत अच्छा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल्स, नो, मतलब ड्यूरिंग भी पीरियड को दिखा रहा होता है, ड्यूरेशन को दिखा रहा होता है, द लेंथ ऑफ टाइम को दिखा रहा होता है, तो दोनों लोग एक साथ में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट देखो रीइंबर्स, हाँ ये वाला अच्छा है। रीइंबर्स कितना लोग जानता है, REIMBURSE, रीइंबर्स। पता है रीइंबर्स क्या होता है? देखो जब ऑफिस, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो एंड आप है ना मार्केट में, आप मार्केटिंग करने गया और होटल का रुक और खाने पीने का और फ्लाइट का खर्चा हुआ, वो सब आपने पे अपनी पॉकेट से पे किया, लेकिन आप तो ऑफिस का काम कर रहा था, दैट मीन्स यू विल गेट द मनी बैक, द वर्ड इज रीइंबर्स। रीइंबर्स का मतलब होता है गेट बैक द मनी, तो इसमें बैक छुपा हुआ है ना, और मैंने बोला था ना इसमें री लगा हुआ है, RE री, तो ठीक है।
सो ये रीइंबर्स वाले एरिया में बैक नहीं आता है, और एसएससी सीडीएस और ये जो बैंकिंग वाले क्वेश्चंस हमेशा से पूछते आ रहे हैं एरर डिटेक्शन में, अलर्ट 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 रहना। ऑल राइट, रिपीट अगेन नहीं होगा। रिकैपिटुलेट का मतलब होता है पूरा समरी, से अगेन, समराइज करो, फिर से वो समराइज करो, फिर से बोलो। तो रिकैपिटुलेट मतलब को होता है से अगेन और समराइज करो फिर से, तो इसका मतलब है उसमें अगेन ऑलरेडी छुपा हुआ है तो नहीं लगेगा। रिकॉल नहीं साथ में आएगा। रिवॉर्न अगेन, रिवॉर्न मतलब होता है ये दोबारा से पैदा होना, तो अगेन वर्ड साथ में नहीं आएगा रिबॉर्न के। ऑल राइट, रीबिल्ट, रीबिल्ट का मतलब होता है दोबारा से बना देना, तो अगेन नहीं आएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट देखो, एग्रीमेंट म्यूचुअल। अब एग्रीमेंट और म्यूचुअल साथ में नहीं चलता है, पूछो क्यों, एग्रीमेंट तो म्यूचुअल होता है भाई। ओके, नेक्स्ट देखो, वो तो हमारा डिस्कस हो गया। ये अबेट, इसको देखो सर, ए डब्ल्यू ए आई टी, अबेट का मतलब होता है वेट फॉर, वेट वेट फॉर, ठीक है ना। तो आई एम अवेटिंग फॉर माई रिजल्ट नहीं, आई एम अवेटिंग माई रिजल्ट, ठीक है। अवेट, ए डब्ल्यू ए आई टी के साथ अगर फॉर लगा हुआ मिले तो आप कहना नो 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 आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टोरी, गलत दुनिया है ये, मुझे यहां पर नहीं रुकना है, बिकॉज अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। समझ में आ गया ना सबको? ओके, हाँ, ये काइंडली और प्लीज सेम वर्ड है तो साथ में तो नहीं आएगा, ठीक है ना। रिक्वेस्ट के साथ में ये वाला और ये वाला नहीं चलता है, जैसे कि यू आर काइंडली रिक्वेस्ट, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म्स बिफोर 20th July। तो पता है क्या है, इसकी जो एरर है ना, एक्टिव पैसिव की एरर है। मैं आपको एक्टिव पैसिव का टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा, वो एसएससी वालों का टॉपिक होता है, लेकिन हमारे यहाँ बैंकिंग एग्जाम्स में और बड़े बड़े एग्जाम्स, एक्चुअली एनी एग्जाम जिसमें एरर डिटेक्शन होता है, सेंटेंस करेक्शन होता है, वहाँ पे वॉइस और नरेशन बेस्ड एरर होती हैं। एक पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं, वहाँ पे मैं आपको पूरे रूल्स पढ़ाऊंगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो अलर्ट रहना, प्लस कोर्स में तो बहुत डिटेल में बताऊंगा, और यहाँ पे तो मैं आपको मेन मेन बातें बता दूंगा, ठीक है। तो उसको मिस मत करना, उसी वहीं पर इसका एरर होता है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं ना, जो कौन से वाले रिक्वेस्ट करने वाले होते हैं, कि जैसे कि प्लीज़ ओपन द डोर, एक एक्टिव सेंटेंस, वी हैव एक्टिव सेंटेंस एंड द सेंटेंस रीड्स लाइक, रीड्स प्लीज़ ओपन द डोर। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो जब आपका एक्चुअली प्लीज़ और काइंडली कहाँ होता है, एक्टिव में। जब उसका हम पैसे बना देते हैं तो काइंडली प्लीज नहीं लगता है, क्योंकि वो तो एक्टिव में दिखता है, पैसे में ये लोग नहीं दिखता है। पैसे में क्या स्ट्रक्चर बन जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड, सी इज रिक्वेस्टेड, दे आर रिक्वेस्टेड, राम इज रिक्वेस्टेड, समझ रहे कि नहीं, ये कहानी बनती है। तो एक्चुअली जब रिक्वेस्ट वर्ड हमारा पैसे वॉइस में आएगा ना, तो प्लीज और काइंडली को लेकर नहीं आएगा। चलो, अब ये कहानी बात जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तुरंत समझ गए, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं कीप फॉलोइंग मी, सब आंसर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। बाकी के जो बाबा लोग होते हैं ना, हो सकता है कि उनके आश्रम में जाके आपको लाइफ के आंसर्स ना मिलें, सत्य क्या है, झूठ क्या है, ब्रह्म क्या है। मेरे क्लासेस में आपको ग्रामर का और इंग्लिश लैंग्वेज का या फिर इंग्लिश सेक्शन का कंप्लीट मिलेगा, ठीक है ना। उन बाबा लोगों को मैं नहीं कह सकता है कि वो ट्रू है कि नहीं है, ये क्लासेस जो मैं प्रिपरेशन करके लेके आता हूँ, दिस इज कम्प्लीट, आई कैन टेल यू। चलो, ठीक है, रेन कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, लाइक नहीं आएगा, याद रख। ये एक्चुअली क्या है कि कैट्स एंड डॉग्स क्या है कि एक idiom है, इसका मतलब होता है बहुत हैविली बारिश होना, ठीक है। कुछ मतलब डॉग्स एंड कैट्स गिर रहे हैं, तो ये सिम्बलाइज करता है इससे idiom, ठीक है, कि बहुत हैवी रेन हो रही है। तो पता है गलत कैसे आता है, कि इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो वो जो लाइक वर्ड है गलत होता है। बहुत पॉपुलर है ये, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, ठीक है ना। कैट्स एंड डॉग्स लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब होता है बहुत हैवी रेन, बट लाइक वर्ड नहीं आता है, रिडंडेंट हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है, वर्डिनेस हो जाता है। ओके, फ्ली मतलब भाग जाना, और फ्ली का मतलब होता है कहीं दूर भाग जाना, तो उसमें अवे नहीं आएगा उसके साथ में। ओके, कोवर्ड, अब कोवर्ड कहीं ना हमेशा कहीं ना कहीं मैन बॉय ही होता है, कायर कौन होगा, मैन या फिर बॉय होगा, तो ये वाले वर्ड नहीं आते उसके साथ में। ट्विंट, समझ गए ना, ट्वेन के साथ टू नहीं आएगा, ट्रिपल के साथ में थ्री नहीं आएगा, समझ गए आप लोग। फ्रेंड, फ्रेंड हमेशा म्यूचुअल होता है, एग्रीमेंट, ठीक है। चलो और देखते हैं, कंपेरेटिवली बेटर, देखो दो वर्ड होते हैं,
एक कंपेरेटिवली और रिलेटिवली, ये वाला कंपेरेटिवली और रिलेटिवली, ये दो वर्ड होते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो इनके बाद में बेटर वगैरह हम लोग नहीं लगाते फास्टर, पता है क्यों? अपनी कॉपी निकालो, राइट डाउन। जो लोग सिंसियर हैं, जो लोग नोट्स बनाते हैं और जो मेरी क्लास को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, आई एम टॉकिंग टू दोज गाइज, ठीक है, एक लिखो अपनी कॉपी में कंपेरेटिवली, CompareTivly, ठीक है, और रिलेटिवली, RelativelyI, ये जो दो ऐसे वर्ड है ना, दीज टू वर्ड्स आर ऑलरेडी कंपेरेटिव इन नेचर, मतलब ये दोनों कंपेरेटिव ही है नेचर में। तो अपने साथ स्ट्रॉन्गर नहीं लेते, स्ट्रॉन्ग लेते हैं। पूछो क्या, स्ट्रॉन्ग इज पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर इज कंपेरेटिव डिग्री, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो ये लोग बोलते हैं कंपेरेटिवली और रिलेटिवली, पता है ये दो लड़के क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि हम ऑलरेडी कंपेरेटिव हैं, तो हमारे साथ हमारे जैसा मत बिठाओ, ठीक है ना, पॉजिटिव नॉर्मल एडजेक्टिव बिठाओ। तो कंपेरेटिवली स्मार्टर नहीं होगा, क्या होगा? कंपेरेटिवली स्मार्ट होगा। रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, रिलेटिवली स्ट्रांग होगा। समझ में आ गया है तो ये दोनों वर्ड कमेंट में लिख के दिखाओ, ठीक है? चलो मैं समझ जाऊंगा। हाँ ओके, ये देखो द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता, ये तो वो बोलते हैं ना कि बहुत स्टूपिड मिस्टेक्स है, ये वो मिस्टेक है। द रीजन वाई ये के साथ में बिकॉज लिखा होता है वहाँ पे, वो गलत हो जाता है, वहाँ दैट लगा देते हैं हम लोग, ये मिलेगा आपको। ब्लेंडर हमेशा बहुत बड़ा ही होता है, तो बिग और ह्यूज नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। टेल और टोल्ड के बाद में टू नहीं लगाएंगे। अब इसकी एरर कहाँ पे आती है हमारी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी और बट एक ही बात है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा हो जाता है। और इंटर के साथ में इंटू नहीं आता है, इंटर का मतलब ही होता है कम इंटू, ठीक है ना, इंटर का मतलब होता है कम इंटू द रूम, इसका मतलब है कि इंटू छुपा हुआ है। तो सी इंटर्ड इंटू द रूम, नाउ सी इंटर्ड द रूम, इंटू मत लगाना, बहुत स्टूपिड, बहुत सिंपल मिस्टेक है। चलो आओ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब लोग देखो क्या होने वाला है। तो देखो अब जैसे और कुछ भी पढ़े मेरे, फीमेल्स वुमेन, फीमेल्स नहीं लिखते हम लोग, वुमेन लिखते हैं, फैमिली मैन नहीं होता। ओहो प्लीज कम, हाँ ये रहा, ठीक है, फैमिली मैन गलत होता है, ये अ मैन ऑफ विद अ फैमिली, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। फैमिली मेंबर नहीं होता, द मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, ध्यान रखना। सी इज माई फैमिली मेंबर, नाउ 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 सी इज द मेंबर ऑफ माई फैमिली, करेक्ट एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही सुन लो, इंग्लिश टीचर नहीं होता, आप बोलोगे कि नरेंद्र सर इज माई इंग्लिश टीचर, नो नो नो, नरेंद्र सर इज माई, ठीक है ना, नरेंद्र सर इज द टीचर ऑफ इंग्लिश, नरेंद्र सर इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश। मैथमेटिक्स टीचर नहीं होता, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स टीचर, नाउ द टीचर ऑफ फिजिक्स, याद रखना है इसको, ठीक है, कहीं पे होगा यहाँ पे टीचर वाला, ये रहा देखो ये नंबर। एन इंग्लिश टीचर नहीं होता, अ टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, दिस इज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है, दैट्स अ करेक्ट एक्सप्रेशन। कजिन ब्रदर नहीं होता, आपको पता ही है ये। आज जो आपको एक्सप्रेशंस बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली अपने जब मैं कंपटीशन देता था तब और जब से पढ़ा रहा हूँ तब से हजारों बार इन वाली बातों पर मैंने एरर्स देखा है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना भाई, वीडियो को पॉज कर करके पढ़ लो, ठीक है ना। ऑल राइट, चलो अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, तो चलो ट्राई करते हैं क्या क्या क्वेश्चन जाएगा। सब लोग देखो, सिंस द बॉर्डर कंट्रोल्स वर लैक्स एट सेवरल पॉइंट्स, ठीक है ना, लैक्स का मतलब होता है नॉट केयरफुल, ठीक है। द बॉर्डर कंट्रोल्स, बॉर्डर पे कंट्रोल जानते हैं ना, पेट्रोलिंग होती है अपने आर्मी BSF पुलिस जो भी होता है, ओके। तो सिंस द बॉर्डर कंट्रोल्स वर नॉट केयरफुल लैक्स एट सेवरल पॉइंट, द रिजल्ट वॉज दैट द स्मगलर वर इज सक्सेसफुली एबल टू मूव द कॉन्ट्राबैंड इन टू द, कॉन्ट्राबैंड जानते हो वो जो स्मगलिंग वाले आइटम्स होते हैं ना, स्मगलिंग करने वाले जो पैकेट्स होते हैं जिनमें पता नहीं क्या पैसा वैसा ड्रग हीरोइन जो भी होता है, तो उन्हें कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। एक कॉन्ट्राबैंड नाम से एक हॉलीवुड का मूवी भी है, देखना बहुत अच्छा है। तो देखो, हाँ अब देखो ये रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसका वो द रिजल्ट वॉज दैट एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी, देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। सिंस द बॉर्डर कंट्रोल्स वर लैक्स एट सेवरल पॉइंट, कि बॉर्डर पर जो पेट्रोलिंग होती है ना वो ज़्यादा केयरफुल नहीं थी, ठीक है, तो पता है क्या हुआ, ठीक है, नीचे से पढ़ो, द स्मगलर वर सक्सेसफुल हो गए थे,
The result was that wordiness. This phenomenon is called wordiness. ये वाला extra words है भाई. अब मैं आपको जो चीजें करा रहा हूँ, this is the real application. ठीक है? तो आज देखो, आप खुद पढ़ो मेरे साथ में, और आप खुद judge कर लिया करो, तो screen आपको दिख रहा होता है, और देखा करो कि क्या mistake आ रहा है. देखो, चलो. Interest in everyone he encounters. ही मतलब कोई बंदा है जो हर किसी में इंटरेस्ट लेता है या इंटरेस्ट हर कोई उसमें इंटरेस्ट लेता है. इन देयर लाइफ्स उनकी लाइफ्स में एंड फीलिंग्स एक बंदा है जो दूसरों की लाइफ में या फीलिंग्स में मतलब इंटरेस्ट ले रहा है. हैज लेड टू जॉइस इनकाउंटर्स विद नॉट ओनली मेनी इंटरेस्टिंग स्ट्रेंजर्स. मतलब जॉई नाम का एक बंदा है जो दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेता है, और उससे क्या हुआ है, ऐसा होने से उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोग मिले. क्या लिखा है, मैट नॉट ओनली मैनी इंटरेस्टिंग स्ट्रेंजर्स. वो सिर्फ स्ट्रेंजर बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से नहीं मिला, बल्कि बट ऑल्सो अ फ्यू विच आर वेरी डल टू हिम. अच्छे से पढ़ो, मैं आपको टाइम देता हूँ, रीड करो, पॉज कर लो. अब मैं स्टार्ट करता हूँ. तो जोई नाम का एक बंदा है. अब ये जो क्या करता है कि उसका एक नेचर है कि वो लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट लेता है, और इससे क्या हुआ है कि वो बहुत सारे लोगों से अच्छे लोगों से मिल चुका है, इंटरेस्टिंग लोगों से मिल चुका है. सिर्फ बहुत सारे अच्छे लोगों से नहीं मिला है, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो डल हैं उनसे भी मिल चुका है. तो इस वाले में पता है कौन सी बदबू आ रही है, ये ग्रामर का मिस्टेक नहीं है, मैंने बोला था स्टाइल का मिस्टेक है. इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह की मिस्टेक होती है, स्टाइलिस्टिक ठीक है, तो और ग्रामर मिस्टेक. तो पता है क्या होगा, अ फ्यू विच आर वेरी डल की वजह क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो अ फ्यू डल वंस. तो इस पूरी बड़ी कहानी को हमने छोटा कर दिया कि नहीं. इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे दो सेंटेंस आ सकते हैं कभी भी, एक बड़े वर्ड्स में लिखा होगा, एक छोटे वर्ड्स में लिखा होगा. छोटे वर्ड्स वाला सेंटेंस सही माना जाएगा, ठीक है. वर्डीनेस इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा नहीं माना जाता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है. तो बेटर चॉइस हमको ढूंढनी पड़ती है, ठीक है ना. पाँच आपके पास चॉइस होंगी, तो पांच में से एक दो तीन तो ग्रामर की वजह से खराब हो जाएंगी, और फिर जब ये दो क्लोज बनेंगे, ये वर्डीनेस सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन रिडंडेंसी उसकी वजह से ये हमारा कैंसिल आउट होगा. ओके, चलो. ट्रांसलेशंस ऑफ फ्रेंच पोइट्री, ठीक है ना. क्या लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, मैं इधर आ जाता हूं. हाँ, ट्रांसलेशंस ऑफ फ्रेंच आपको दिख रहा है ना. यस, ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोइट्री इन टू इंग्लिश डिमांड सिग्निफिकेंट रिवर्डिंग्स ऑफ द पोइम्स बिकॉज. अच्छा, फ्रेंच पोइट्री का ट्रांसलेशन हो रहा है, दिख रहा है आपको, फ्रेंच पोइट्री का ट्रांसलेशन हो रहा है इन टू इंग्लिश. डिमांड क्या जरूरत है, सिग्निफिकेंट रिवर्डिंग्स एक्स्ट्रा वर्ड्स रिवर्डिंग्स ऑफ द पोइम, ठीक है ना. बिकॉज ईच लैंग्वेज इज सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन पजेसिंग अ डिफरेंट रिदम. हर लैंग्वेज एक दूसरे लैंग्वेज से अलग है इन टर्म्स ऑफ रिदम. तो इतनी बड़ी बड़ी जो बात है ना, इसको देखो हमने कैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना. बिकॉज द लैंग्वेज पजेस डिफरेंट रिदम्स. अब ऊपर वाली जो स्टोरी थी ये वाली, उसको हमने छोटा करके ये बना दिया. नीचे दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, वर्डिनेस को खत्म कर दिया है. तो ये वाली दिस सेम मीनिंग आ रहा है बट यूजिंग फ्यू वर्ड्स. This phenomenon is called wordiness. समझ में आ गया, superfluous तो हमने देख लिया, wordiness भी आपको दिख गया है. Okay, okay, okay. चलो next देखते हैं. हाँ, अब देखो मैं आपको कुछ rules की बात कर रहा था, चलो वो discuss कर लेते हैं. Adjective that repeat the meaning already contained in the word. मतलब के वही है ना, superfluous वाला आ गया, redundant वाला आ गया हमारा. देखो क्या है, in a moment of hopeful optimism, she made the call. अब देखो ऑप्टिमिज्म मतलब ऑलरेडी होप करना होता है यार. वी नो द मीनिंग राइट. ओके, सो दिस वन इज रूल्ड आउट. एक्चुअली दिस वन इज रूल्ड आउट. और नेक्स्ट देखो, इन अ मोमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म सी मेड द कॉल. तो ये ठीक है, तो ये वाला गलत है, दिस वन इज करेक्ट एक्चुअली. नहीं तो इट वॉज अ स्ट्रेंज प्लेस फॉर बोथ ऑफ अस टू बी गिवन आर पास्ट हिस्ट्रीज. मतलब कि एक 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 कपल है, मतलब कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक कपल है, या फिर हस्बैंड वाइफ जो भी, और ठीक है, और उनके लिए उनकी स्टोरी बता रही है. क्या बोल रहा है कि मतलब दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर एक ऐसी जगह दोनों मिल गए जहाँ पे उनको स्ट्रेंज फील हो रहा है. तो देखो इसका मतलब है, तो गिवन आर हिस्ट्रीज करेक्ट होगा, ये पास्ट हमारा इनकरेक्ट होगा. समझ में आ गया सबको. ऑल राइट अब देखो, इट
नेक्स्ट देखो, एडवर्ब्स दैट रिपीट द मीनिंग कंटेंट इन अ वर्ब, स्पेशली अ वर्ब दैट बिगिंस विद प्रीफिक्स सच एज री. मैंने आपको बोला था ना रिपीट वाला, और कौन कौन से था हमारे, रिपीट था, रिट्रैक्ट था, ठीक है ना, और एक होता रिवर्ट. तो ऐसे जो वर्ड होते हैं उनमें जो आर ई होता है ना उसका मतलब होता है अगेन या बैक. या फिर हमारे कुछ वर्ड होते हैं प्रो वाले जिसमें प्रो लिखा होता है, इसका मतलब होता है आउट, फॉरवर्ड, बाहर निकला हुआ. तो प्रो लिखने वाले या फिर आर ई लगने वाले वर्ड्स में बैक अगेन नहीं लगाते. आ जाओ वापस. ऑन हर डेथ द थ्रोन रिवर्टेड बैक, जो अभी मैं रिवर्ट की बात कर रहा था आपको, ठीक है ना. रिवर्ट का मतलब ये होता है वापस, बैक इसके अंदर छुपा हुआ होता है. तो द थ्रोन वापस किसके पास आ गई थी, थ्रोन में गद्दी. द थ्रोन रिवर्टेड टू द नेक्स्ट मेल इन द लाइन ऑफ सक्सेस, लाइन ऑफ सक्सेशन. जब कोई हर मतलब कोई जब कोई फीमेल जो हमारी प्रिंसेस थी या क्वीन थी जब वो मर गई तो गद्दी किसके पास आ गई, लड़कों के पास आ गई, मेल. तो रिवर्ट मतलब वापस, ठीक है ना, रिप्लाई. तो कमिंग बैक, तो बैक वहां पे वर्ड नहीं आएगा. चलो, तो ऑन अ डेथ द थ्रोन रिवर्टेड टू द नेक्स्ट मेल इन द लाइन ऑफ सक्सेशन. करेक्ट हो गया कि नहीं, समझ में आ गया सबको. ओके, द साइन अबव द डोर प्रोट्रूड. देखो ये वाला प्रो वाला, पी आर ओ टी आर, बड़ा अच्छा वर्ड है ये. मैं याद दिला दे, मैं याद करा देता हूँ आपको कैसे. पी आर ओ टी आर यू डी, प्रोट्रूड का मतलब होता है, देखो जैसे कि आपके सामने एक बैग भरा हुआ है, आपका आपका जो कॉलेज वाला जो कोचिंग जाने वाला बैग होता है ना उसमें 5-6 किताबें होती हैं. बट अगर आप उसमें बहुत सारी चीज़ें भर लो, वाटरमेलन और एप्पल्स और बुक्स, और आपने बहुत कुछ भर दिया, तो उस जो बैग का जो साइज यूँ होता है ना वो इतना ज़्यादा बाहर निकल जाता है कि नहीं. तो वो जो एरिया बाहर निकल रहा होता है ना बैग से, उसे प्रोट्रूड बोलते हैं, बाहर निकला हुआ, ठीक है ना. तो एनीथिंग, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो वो जो 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 शेप होती है थोड़ा बाहर आ जाती है ना, तो इस तरीके से. तो एनीथिंग दैट इज विजिबल कमिंग आउट, बाहर निकल रहा होता है, तो वो फिनोमेना हमारी प्रोट्रूड होता है, पी आर ओ टी आर यू डी ई ये वाला. ओके, तो हाँ अच्छा, इसका मतलब ही होता है बाहर निकलना, तो ये वाला आउट नहीं जाएगा. अब तो समझ में आ गया ना, मैंने रियल एग्जाम्पल्स आपको दे दिए. ओके, द साइन अबव द डोर प्रोट्रूड ओवर द साइडवॉक. नेक्स्ट देखो, टू और मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मे मीन एग्जैक्टली द सेम ईच अदर. अच्छा, एक जैसे दिखने वाले. द फर्टिलाइजर हैड नो डायरेक्ट फंगीसाइडल इफेक्ट बट नेवरदलेस. बट और नेवरदलेस सेम मीनिंग वाले वर्ड है, तो ये साथ में नहीं आएंगे. याद कर लो, याद कर दो, लिख लो अपनी कॉपी में, बट नेवरदलेस साथ में नहीं आता है. ओके, चलो, द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज. मैंने बोला था ना रीजन के साथ में बिकॉज नहीं आएगा. तो रीजन फॉर दिस इज दैट नोबडी केयर्स. दिस इज करेक्ट. रीजन वाले में बिकॉज नहीं आता है. चलो नेक्स्ट देखो, नॉट. हाँ, अब देखो, अनटिल, अनलेस, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, वेरी, लेस्ट, बट फॉर, विदाउट. मैंने ये पढ़ा दिया आपको, पीछे भी पढ़ा गया था, इनके साथ के साथ में नॉट नहीं आता है. ये सारे वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे. ही डिड नॉट डिनाई दैट ही हैड नॉट स्टोलन द वॉच. ही डिड नॉट डिनाई, यहां से पकड़ते हो, did not deny that he had not stolen. ठीक है, तो देखो, he did not deny that he had stolen the watch. ठीक है ना, ये वाला हमारा करेक्ट हो गया. समझ में आ रहा है, deny का not नहीं आता, मैंने आपको पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले. यस, इनकरेक्ट. अनलेस, यू देखो अनलेस आ गया ना, अनलेस वाले पार्ट में not नहीं होगा, second पार्ट में not allowed है. okay, so unless you do not work hard you will not succeed. इस नॉट को मैं नहीं छेड़ूंगा. मुझे कौन से वाले नॉट से प्रॉब्लम है, यहां जो लिखा हुआ है इस वाले पार्ट में. कैन यू सी दिस पार्ट, दिस क्लॉज. मैंने आपको कंजक्शन पढ़ाया हुआ है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. चलो, समझ में आ गया आपको, ठीक है. अगेन इज नॉट यूज आफ्टर द रिपीट. हाँ, ये वर्ड लिख लो, पता है अपनी कॉपी में कैसे लिखो, रिपीट पे नीचे लिखो उसके, रिकैपिटुलेट, समरी दोबारा से लिखना, रिकॉल, रिबॉर्न, रिबिल्ट, इनके सब साथ में अगेन नहीं आता है, इन वर्ड के साथ में अगेन नहीं आता है. चलो, अब तो आपको याद हो गया. सब लोग देखो, तो देखो, राम वॉज रिबॉर्न अगेन, गलत हो जाएगा. द ब्रिज वॉज रिबिल्ट अगेन, गलत हो जाएगा. आप पूरा पढ़ लो जल्दी से, क्विकली पढ़ लिया. यस, चलो, वैक इज नॉट यूज आफ्टर रिसीड. अभी मैंने बताया था आपको, और एक्स्ट्रा वर्ड, रिसीड, रिटर्न, रिट्रैक्ट, रिट्रीट, रिकॉल, विड्रॉ, इनके साथ वैक नहीं आता है, और इससे पहले बताए थे इनके साथ में अगेन नहीं आता है. ही डिड नॉट रिटर्न बैक माई वॉच. नाउ रिटर्न का मतलब ये होता है गिव बैक, बैक और इसमें छुपा हुआ है. ओके,
द वॉटर ऑफ द रिवर रिसीडेड बैक, रिसीड मतलब जानते हो वाटर लेवल वापस चला गया, तो उसमें बैक ऑलरेडी छुपा हुआ, बैक नहीं आएगा रिसीड के साथ में। मारुति रिकॉल्ड बैक, रिकॉल्ड का मतलब होता है वापस लेना, ठीक है ना, तो उसमें बैक ऑलरेडी छुपा हुआ है। आप रीड करो अच्छे से इसको, हाँ नेक्स्ट देखो। हाँ ये बड़ा मेरा फेवरेट है, बहुत फेवरेट इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि ये बहुत आता है एग्जाम में। पता है क्या होता है, अगर सेंटेंस के एक पार्ट में बिकॉज सिंस एज अगर लिखा है तो इधर वाले पार्ट में इन द सेकेंड पार्ट देयर फोर सो हैंस नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। अगर सिंस बिकॉज एज अगर एक पार्ट में लिखा है तो उसके पार्ट में देयर फोर सो और हैंस नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना। आओ भाई चलो चेक करते हैं, ठीक है। बिकॉज वी वर टायर्ड वी देयर फोर, ये जो बिकॉज लिखा है तो देयर फोर नहीं आएगा, सिंपल सिंपल सिंपल। यहां पे एज लिखा होता तब भी देयर फोर नहीं आता, यहां पे सिंस लिखा होता तब भी देयर फोर नहीं आता, ठीक है। बिकॉज लिखा है वहां पे सो लिखा होता तब भी नहीं सो लिखते हम वहां पे, समझ गया। ओके चलो, अंडरलाइन के साथ में बिहाइंड नहीं आएगा, ये बिहाइंड गलत है। तो देखो द अंडरलाइन मोटिव बिहाइंड हिज काइंड वर्ड्स, नो 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 नो, अंडरलाइन का मतलब ही है कि सब कुछ उसमें छुपा हुआ बिहाइंड वाला, ठीक है। तो अंडरलाइन मोटिव फॉर हिज काइंड वर्ड्स वॉज सो दैट ही कुड बोरो मनी फ्रॉम मी, समझ गया। ओके चलो ये देखो, बिकॉज और रीजन वाला मना किया मैंने आपको, बिकॉज और रीजन साथ में नहीं आएगा, तो देखो रीड करो। द रीजन दैट सर्टेन स्पाइसी फूड्स सच एज द हैबनेरो पेपर मेक सम पीपल स्वेट इज बिकॉज, ठीक है, यहां पे हम लोग दैट लिख सकता है, टी एच ए टी, ठीक है ना, दैट लिख सकते हैं यहां पे बिकॉज की जगह, इज दैट दे कंटेन, डिस्पाइट के साथ में यट नहीं आता है, ठीक है। डिस्पाइट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लॉ स्कूल एंड पासिंग हर एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ये गलत है। अब पता है क्या है, यहां पे ऑल दो कर सकते हैं, याद रखना मैंने आपको कंजक्शन में पढ़ाया हुआ है, कंजक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ है कि ऑल दो और दो, ठीक है ना। ओके ए एल, थोड़ा सा इशू आ रहा है, अपने अपनी कॉपी में लिखो ऑल दो और दो, ए एल टी एच ओ यू जी एच, इसके साथ में यट जाता है, क्या जाता है, वाई ई टी, यट जाता है, ठीक है ना, इसका ये गलत है। नेक्स्ट देखो, नाउ और करेंटली साथ में नहीं आएंगे, चलो रीड करवाओ। हिज स्टडीज ऑफ आइस पॉलिश रॉक्स हिज इन हिज एल्पाइन होमलैंड फार आउटसाइड द रेंज ऑफ प्रेजेंट डे ग्लेशियर्स लेड लुईस अगेंस्ट इन 1837 टू प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ एन एज इन विच ग्रेट आइस शीट्स हैड एग्जिस्टेड इन नाउ करेंटली टेम्परेचर एरियाज, ठीक है ना, इनमें से एक बड़ा आएगा, इन करेंटली या फिर नाउ, ड्रॉप करना पड़ेगा हमको। रिकमेंड के साथ में शुड नहीं आता है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, याद कर लो, इन पर मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा पक्का, ठीक है ना। अब हो सकता है यहां कराऊं नहीं तो अनअकैडमी प्लस वाले पे कराऊंगा, तो उधर आ जाना, ध्यान रखना इन सारी चीजों को मैं याद करा दूंगा, मेरा इरादा है, मेरी प्रिपरेशन पूरा है, आप रेडी हो के नहीं वो चेक करने वाली बात है। द रिपोर्टर रिकमेंडेड दैट हॉस्पिटल शुड इलिमिनेट अननीडेड बेड्स, हटाओ इसको। द रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट हॉस्पिटल इलिमिनेट अननीडेड बेड्स, सिंपल सी बात है, उसको ड्रॉप करना है। बोथ के साथ में एंड आता है, ठीक है, ध्यान रखना, एज वेल एज नहीं आता है। तो ये देखो, ओनली थ्रो अ थॉरो गवर्नमेंट फंडेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैन द एपिडेमिक ऑफ मलेरिया बी क्यूर्ड जस्ट लाइक द स्प्रेड ऑफ बोथ कॉलरा एज वेल एज, हाँ आपको दिख रहा है, तो याद रखना ये एज वेल एज हमारा गलत है, ठीक है, ये वाला पार्ट गलत है। यहाँ पे एंड आता है, बोथ और एंड का पेयर होता है, जिन लोगों ने कंजक्शन मेरे से पढ़ा था उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है ना, व्हाट डू थिंक। नेक्स्ट देखो, श्याम बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट जानते हो ना, दूसरों को जो हेल्प करते हैं, ओके एंड ऑल्ट्रिस्ट, वो भी सेम वर्ड है, ठीक है ना, ही इज लाइकली, देखो श्याम इज लाइकली, तो श्याम के लिए इज आया हुआ ही, यहाँ पर जरूरत नहीं था, एक्स्ट्रा लगा दिया, सुपर फ्लुअस हो गया है। व्हाट यू थिंक, दिस इज इनकरेक्ट, वो इज तो श्याम के लिए आया हुआ था,
Shyam, comma, comma, being a philanthropist and altruist is liked by all the people. Shyam दूसरों की help करता है इसलिए उसको सब पसंद करते हैं. तो वो जो verb है वो Shyam के लिए आए हुए, वो he के लिए जो extra लगा दिया उसकी ज़रूरत नहीं है, superfluous extra हो गया है, redundant हो गया है. Next, suppose if, मैंने आपको बताया था कि suppose और if एक साथ में नहीं आता. कितने लोगों को याद आ रहा है, raise your hand, ठीक है ना. Suppose I do not come, what will you do? If I do not come, what will you do? समझ में आ गया ना स्टोरी. सपोज और इफ साथ में नहीं आता है बिल्कुल भी. चलो नेक्स्ट देखो, ही इज मोर फास्टर देन हिज ब्रदर. देखो मोर कंपरेटिव है, फास्टर भी कंपरेटिव है, तो ये डबल डबल कंपरेटिव हो गया भाई, गलत हो गया है. तो देखो ही इज फास्टर देन हिज ब्रदर, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो, ही इज द मोर फास्टेस्ट रनर इन द क्लास. वो क्लास में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री. तो फिर यहां पर क्या करो, मोस्ट कर दो यार, ठीक है. या फिर फास्टेस्ट लिखा है ना हमारे पास में, तो फिर फास्टेस्ट ही सुपरलेटिव हो जाएगा हमारे पास में, मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ही इज द फास्टेस्ट रनर इन द क्लास, ही इज द फास्टेस्ट. पता क्या गलती आती है कि फास्टेस्ट इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव और मोस्ट उसके पास में लगा देते हैं. तो द मोस्ट फास्टेस्ट कभी नहीं होता, द फास्टेस्ट होगा, ध्यान रखना. चलो, और अभी क्या गलती थी राइट नाउ, अभी तो कंपरेटिव और सुपरलेटिव को मिक्स वेज बना दिया था, ठीक है ना. चलो, बी यूजुअली कम अक्रॉस विद. देखो ये कैम अक्रॉस के बाद में विद कभी नहीं आता है. केम अक्रॉस की दो प्रॉब्लम है. केम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है, दैट मींस टू मीट सडनली, अचानक से मिल जाना, उस बात को बोलते हैं केम अक्रॉस. तो अगर उस सेंटेंस में यू आर रीडिंग अ सेंटेंस, इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस द फ्रेज केम अक्रॉस हैज बीन यूज्ड, बट वहां पे लिखा हुआ सडनली भी, ठीक है ना. आई सडनली केम अक्रॉस, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी इन चावड़ी बाजार. मैं नरेंद्र मोदी जी से चावड़ी बाजार में अचानक से मिला, तो आई सडनली केम अक्रॉस नहीं होगा, आई केम अक्रॉस नरेंद्र मोदी इन चावड़ी बाजार. समझ गया, ओके. लेकिन ये तो रही एक मिस्टेक, कौन सी, सडनली वाली जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया. दूसरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मिस्टेक है कि जब केम अक्रॉस यूज होता है तो वहाँ विद नहीं लगाते. इफ आई राइट ना, इफ आई राइट आई केम अक्रॉस विद नरेंद्र मोदी, सुनना, आई केम अक्रॉस विद नरेंद्र मोदी, गलत है, विद नहीं लगेगा ये वाला. तो पता, देखो क्या होने वाला है, वी यूजली कम अक्रॉस डिफिकल्टीज, ये सही है. चलो नेक्स्ट, द रेन कैप्ट पोरिंग थ्रू आउट द होल डे. देखो थ्रू आउट और होल डे सेम स्टोरी है कि नहीं, तो भाई गलत हो गया, एक यूज होगा इनमें से कोई सा भी. द रेन कैप्ट पोरिंग थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट होल डे सेम स्टोरी होता है भाई. चलो, द जज डिसमिस द केस बिकॉज द प्लेंटिफ वॉज हेल बेंट ऑन विदड्रॉइंग बैक. विदड्रॉ के साथ में बैक नहीं जाता है, आपको पता है, मैंने बता दिया है आपको. नेक्स्ट देखो, हिज स्पीच वॉज वेगली एम्बिगुअस. वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर. इसमें से एक बंदा रहेगा, बाकी का गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऑमिट हो जाएगा. वॉट यू थिंक, वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, एम्बिगुअस का भी मतलब होता है नॉट क्लियर. सो समथिंग इज रॉन्ग हेयर इन दिस सेंटेंस, वॉट यू थिंक. तो हिज स्पीच वॉज एम्बिगुअस, ये हमने ड्रॉप कर दिया. नेक्स्ट देखो, ही हैज द राइट टू रिसीव एन एनुअल सम आउट ऑफ द इनकम एवरी ईयर. एक बात बताओ, एवरी ईयर और एनुअल सुपरफ्लूस नहीं लग रहा आपको, आपको ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा. एवरी ईयर और एनुअल तो सेम स्टोरी होती है ना भाई, तो इसका मतलब एवरी ईयर को ड्रॉप करेंगे हम लोग. तो ही हैज द राइट टू रिसीव एन एनुअल सम आउट ऑफ द इनकम. समझ में आ गया सबको. ही इज अ कोवर्ड मैन एज ही इज नॉट एबल टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनफुली, ठीक है ना. जब कोवर्ड मैन हो ही गया तो ये वाले की जरूरत क्या है. तो ही इज अ कोवर्ड मैन एज ही इज नॉट एबल टू फेस द अप्स एंड टाइप्स ऑफ लाइफ. ये मैनफुली लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोवर्ड मैन यूज हो चुका है. ओके, ये बहुत स्पेशल है, आज आपको पता चल रहा होगा, अरे हाँ यार, हम ये तो कभी समझ ही नहीं पाते, हमने ये कभी नोटिस ही नहीं किया था. व्हाट यू थिंक, आ रहा है समझ में. मुझे इस सेशन के खत्म होने के बाद में जरूर बताना कि हाँ सर, बहुत सारी चीजें नया मिला, या फिर आप सारा कुछ जानते तब भी बताना, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि मेरी ऑडियंस, मेरा स्टूडेंट कितना ज्यादा अवेयर है, ठीक है ना. कितनी बातें नई मिली, जो नई बातें मिली ना, आपने नोट्स बनाया होगा आई एम श्योर, उनको लिख के दिखाना कमेंट में, सर ये वर्ड एक्स्ट्रा मिले, ठीक है. लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और कमेंट भी, कमेंट जरूर करके जाया करो, ठीक है ना. आफ्टर द वीडियो के बाद भी कमेंट कर दिया करो,
एक हमारे लाइव कमेंट चल रहे होते हैं, एक जब हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है उसके बाद में कमेंट सेक्शन दिखाता है, ठीक है। उधर कमेंट करोगे तो मुझे हमेशा दिख जाएगा कि आपने मुझसे क्या बात करी है, आपने तारीफ़ किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, या फिर आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है, कौन सा टॉपिक आप इंक्लूड करना चाहता है और कौन सा बहुत अच्छा लगा है आपको। जस्ट कीप टेलिंग मी द स्टोरीज, दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू टॉक। अगर मैं अभी अगर मैं क्लास में बैठा होता और आप क्लास में होते तो हम लोग एक दूसरे को समझ सकते थे ना, लेकिन वी कैन टॉक थ्रू द कमेंट्स ओनली, ठीक है। चलो अब अच्छी सी प्यारी सी बातें करते हैं, कमेंट में आओ सारे लोग। तो हर वीडियो के पीछे जाओ, मेरे जितने वीडियोज़ हैं उनमें पीछे जाओ, पैरा जम्बल हो गया, समरी ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ कंप्लीशन, फ्रेज कनेक्टर, ठीक है, स्टेटमेंट वाले, उन सबको देख के आओ और दोबारा देखना है दोबारा देखो। अगर आपने देख लिया, समझ में लिया है वो क्या कुछ कहना है तो आप उसमें ज़रूर लिख के आना, ठीक। आई विल चेक एवरीथिंग। और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है वो तो पक्का लिखना, वही मेरा पर्पज़ है, ठीक है ना। ओके चलो, आई डिड नॉट मीन टू इंसल्ट यू बट ऑन द कंट्रेरी, देखो बट एंड ऑन द कंट्रेरी सेम है, इसका मतलब गलत हो गया, उनमें से एक आएगा कोई सा भी। आई डिड नॉट मीन टू इंसल्ट यू, ऑन द कंट्रेरी आई केम हेयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आपकी बेइज्जती करना चाहता था, बल्कि मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया SBI में, आप सबका, ऑल ऑफ यू, यू मैडम, एवरीबडी, ठीक है ना, हर किसी का सिलेक्शन हो गया है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा सबको। नेक्स्ट देखो, ही वॉज टू ड्रंक टू नो, ठीक है, वेयर ही वॉज गोइंग टू, देखो ये टू की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कभी हम ऐसे बोलते हैं क्या, मैं आपको कभी ऐसे पूछूं, वेयर आर यू गोइंग टू, क्वेश्चन मार्क, गलत होता है, वेयर आर यू गोइंग, सिंपल इतना सा क्वेश्चन होता है ना, टू अननेसेसरी है वाला। चलो, द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम एंड द रिजल्ट इज बीइंग अवेटेड फॉर, देखो ये जो अवेट का मतलब मैंने बताया था आपको, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, तो इसका मतलब है अवेट, AWAIT, अवेट के साथ में फॉर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फॉर छुपा हुआ है, AWAIT, अवेट मीन्स वेट फॉर, ओके, तो ये फॉर गलत है। बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस वर्ड फॉर वर्ड, इट इज वर्थ फर्स्ट आस्किंग वेदर इट कैन बी लिटरली ट्रांसलेटेड और नॉट। अब देखो यहां पर कौन से वाली कहानी आ रही है हमारी, पूरा रीड करो। बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस वर्ड फॉर वर्ड इट इज वर्थ आस्किंग, अब देखो इट इज वर्थ कहाँ गया, इट इज वर्थ, ठीक है ना, वर्थ आस्किंग वेदर, अब ये देखो फर्स्ट वाला वर्ड देखो, अब ऑलरेडी बिफोर लगा है ना, ये बिफोर, तो फर्स्ट वाला वहां पे हमारा क्या ना रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस वर्ड फॉर वर्ड इट इज वर्थ आस्किंग वेदर इट कैन बी लिटरली ट्रांसलेट और नॉट। जब आप, पता है फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बिफोर कह रहा है कि भाई इससे पहले तुम कुछ करो, तो वो तो पहले हो गया ना ऑलरेडी, तो फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं थी हमारी। नेक्स्ट देखो, आओ, इवन आफ्टर मेनी राउंड्स ऑफ टॉक्स इंडिया एंड पाकिस्तान कुड नॉट रीच एट अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, कितने लोगों को समझ में आ गया, एग्रीमेंट हमेशा म्यूचुअल होता है भाई। ऑल राइट, चलो, ही लेफ्ट इंडिया विद, ये देखो ये वेद नहीं आता है, देखो बैग और बैगेजेस या फिर बैग एंड बैगेजेस एक idiom है, बैग बैगेजेस या फिर बैग एंड बैगेजेस एक idiom है, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली छोड़ देना, कम्प्लीटली किसी काम को इंक्लूड करता है, तो उसमें वेद नहीं लगाते हम लोग, ठीक है ना। ही लेफ्ट इंडिया बैग बैगेज फॉर गुड, अच्छे काम के लिए वो चला गया था। चलो अब मेरे पास दो क्वेश्चन और हैं, इनको और ट्राई करते हैं फिर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। आओ, द लॉन्गर फॉसिल फ्यूल्स आर यूज टू रन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स द मोर डैमेज, देखो एक स्ट्रक्चर होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये आपको दिख रहा है द लॉन्गर, ठीक है ना, और द मोर, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, कितने लोगों ने पढ़ा है कमेंट में लिख के दिखाओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फिनोमिना, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, ठीक है, द वेट, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बोलू द हैवियर, जैसे मैं आपको बोलूँ द मोर यू प्रिपेयर द बेटर यू विल बिकम, द मोर मतलब द कंपरेटिव, और सेकंड पार्ट में भी द कंपरेटिव होता है, तो देखो द लॉन्गर द मोर लिखा है कि नहीं, सही जा रहा है। अच्छा, द मोर डैमेज द अर्थ इकोसिस्टम विल सफर विद रिसोर्सेज बींग एग्जॉस्टेड टू सच ए लार्जर डिग्री दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम, अब एक ऑफिसर के साथ खेलूँ मैं,
मुझे पता है ये द मोर वाली स्ट्रक्चर है, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील वाली स्ट्रक्चर है। तो देखो ये जो ये हाईलाइट पार्ट है ना, ये हाईलाइट दिख रहा है अंडरलाइन, तो द मोर लिखा है। तो देखो अब द मोर इसमें तो लिखा नहीं है, गलत हुआ कि नहीं, ऑप्शन सी और डी रूल आउट हो गया कि नहीं। अरे देखो इसमें द मोर है, इसमें द मोर है, इसमें द मोर है। तो कम से कम मेरी ग्रामर को फॉलो करने वाले तीन लोग हैं, दो बंदे तो नहीं है, सी और डी तो गायब हो गया ना। ठीक, चलो अब आप देखो, अब आप देखना यहां पर लिखा हुआ है द मोर डैमेज द अर्थ इकोसिस्टम। ये कह रहा है द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, और ये कह रहा है इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। और ये अर्थ इकोसिस्टम कितने लोगों को समझ में आया है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में कम शब्द यूज करते हैं ना, वो बेटर होता है हमारा। तो देखो इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ एक्स्ट्रा वर्ड, अर्थ इकोसिस्टम छोटा वर्ड, तो ये वाला ऑप्शन भी गया हमारा, ठीक है ना। अब पता कौन चला गया, वी चला गया, सी चला गया, डी चला गया। अब हमारे पास में, अब हमारे पास में क्या बचता है, ठीक है ना। हाँ ई वाला देखते हैं, और ए, हाँ ए और ई को देखते हैं हम लोग। तो द मोर डैमेज द अर्थ इकोसिस्टम विल सफर विद रिसोर्सेज बीइंग एग्जॉस्टेड टू सच ए लार्ज डिग्री। और ये क्या कर रहा है, विद रिसोर्सेज बिकमिंग सो एग्जॉस्टेड। देखो सो एग्जॉस्टेड बोल के इसने बात को छोटा कर दिया है, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, द लास्ट वन है, बिकॉज द IBPS इज अ कंप्यूटर अडेप्टेड टेस्ट। सो मैंने बोला था ना, अगर बिकॉज लिखा हो तो सो नहीं लगता है, गलत हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक? तो देखो हाँ, तो सो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो सो किसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? नहीं 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 नहीं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ तो देखो कौन सा वाला जाना चाहिए, बिकॉज देखो ये तो IPS R लिखा है ना, R लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो रहा है। IPS R नहीं होना चाहिए, एज चाहिए। तो देखो ये, अरे एक काम करते हैं, मुझे समझ में आ गया, हमने ऑप्शन नहीं देखे। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हुआ है, हमेशा ऑप्शन को देखना चाहिए था, मैं तो आपको समझा रहा था, ऑप्शन देखना चाहिए था। ये वाला पार्ट देखो, देखो देखो क्या हुआ है, बिकॉज मैंने कहा था ना, चलो ठीक है कॉन्सेप्ट तो अपने सही पकड़ा कि बिकॉज लिखा है तो सो नहीं आना चाहिए, मैंने सो भगा दिया। लेकिन मैं जब ऑप्शन के बाद पता चला तो उन्होंने तो सो को तो रखा है, बिकॉज को भगाया है। अरे वाइस वर्सा तो कर सकते हैं ना हम लोग, अलर्ट रहना, ऐसा मिस्टेक ना हो जाए। दिमाग में रूल चल रहा है लेकिन नीचे एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा है हमसे। तो देखो हमको बिकॉज भगाना है, ये बिकॉज भगा दिया, ये बिकॉज भगा दिया, ये बिकॉज, ये सेंस भगा दिया, ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, द IPS इज अ कंप्यूटर अडेप्टेड टेस्ट सो वर्बल। अब ये वाला सो परफेक्ट है क्योंकि इधर वाले पार्ट में बिकॉज नहीं लिखा है। समझ में आ गया ना सबको? तो ध्यान रखना ये मेरा कूपन कोड है नरेन लाइव, ठीक है। याद रखो जितने भी यार दोस्त आपके पढ़ना चाहते हैं ना, उन सबको इन्फॉर्म कर दो कि इंग्लिश का क्लास चल रहा है और वहाँ पे इतना स्ट्रक्चर वे में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। उनको जब भी वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं ना 6 महीने 1 साल के लिए, तो उनको एक कूपन कोड देना जिससे कि उनको हेल्प हो जाएगा। और आप अपना भी हेल्प करो, दोस्तों का हेल्प करो, भाई बहन का, एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में भी देखो मैं कुछ ना कुछ अच्छा लेके आऊँगा, एंड ठीक है टिल देन पढ़ो। एंड आई होप आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, एंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो फिर मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मेरी ये क्लासेस एंड न्यूज़पेपर आपका इंग्लिश सेक्शन से डर तो दूर हो ही जाएगा, परफेक्ट हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। और हाँ एक काम ये जरूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना हमारा कुछ चैनल को, सपोर्ट करो। हम लोगों का नया नया चैनल हमने बनाया है, आप लोग सपोर्ट करोगे तब सब कुछ चलेगा, ठीक है ना। तो इट्स अ म्यूचुअल, मैंने बोला था ना, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं। ओके okay.